दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली वालों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स के बाद अब रजिस्ट्रेशन फीस से भी छूट प्रदान कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही वाहन खरीद पर सब्सिडी भी मिलेगी। इसे लेकर सरकार की ओर से फाइनल अधिसूचना जारी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को मंजूरी के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स से छूट प्रदान करने का फैसला लिया। केजरीवाल सरकार ने रविवार 11 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स से छूट प्रदान की थी। अपनी ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार दोपहिया ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और मालवाहक वाहन के लिए 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के पात्र खरीदारों को 2 दिन के भीतर सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन फी से मुक्त करा दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी थी। गहलोत की ओर से एक ट्वीट में कहा गया, बधाई हो दिल्ली फिर से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रोत्साहनों की अगली सूची में सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण शुल्क से मुक्त कर दिया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।